हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेकर के कन्फ्यूज़न में है, डाउट में है कि कौन सी सब्जी हमारे देश में कहाँ से आई है। जैसे मिर्ची पूछ लेता है कि मिर्ची हमारे देश में कहाँ से आई, तो और अदर है जैसे कॉफ़ी कहाँ से आई है, ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप ये एनसीईआरटी का पेज अगर देखे रहेंगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि एक से दो नंबर दोस्तों यहाँ पर श्योर है, 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अगर आप इतना देख लेंगे तो आप कहीं भी किसी भी डाउट में नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी बुकें हैं जो गलत दिया होता है, प्रैक्टिस सेट में गलत दिया होता है। तो दोस्तों हमें क्या लेकर चलना है, एनसीईआरटी लेकर चलना है, क्योंकि सीटेट का ईवीएस मैंने आपसे बार बार कहा है वो एनसीईआरटी से ही पूछता है, क्लास 3rd, 4th, 5th की एनसीईआरटी। मैंने ये सारी क्लासेज आप लोग को दे दी है, लेकिन जो आप लोग का डाउट है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना देती हूँ, तो इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप ये टॉपिक देख पा रहे होंगे, आलू मिर्ची चाजी कौन कहाँ से आजी, तो इसमें हम जानेंगे कौन कहाँ से आया है। यहाँ पे स्टार्टिंग में देख पा रहे होंगे, आलू मिर्ची चाजी कौन कहाँ से आए जी, सात समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी आलू मिर्ची चाजी। अब यहाँ पे उसके नीचे की लाइन देख पा रहे होंगे, दक्षिण अमरीकी मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी, मूंगफली आलू अमरूद धूम मचाते करते उछल कूद, साथ टमाटर आए जी आलू मिर्ची चाजी। अब यहाँ तक आप ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अमरीकी मिर्ची रानी यानी मिर्ची कहाँ से आई है, दक्षिण अमरीकी से यानी दक्षिण अमेरिका से, मसालों की है पटरानी, मूंगफली आलू अमरूद धूम मचाते करते उछल कूद, साथ टमाटर आए जी यानी मूँगफली आलू अमरूद और टमाटर और मिर्ची ये हमारे कहाँ से आई हैं, ये दक्षिण अमेरिका से आई हैं, यानी इतना जो है हमारा कंफर्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, भिंडी है अफ्रीका की, भूरी भूरी कॉफ़ी भी, यानी भिंडी और कॉफ़ी ये सब कहाँ से आए, ये अफ्रीका से आए हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब हम अगला देखेंगे, नक्शे में यूरोप किधर, वहाँ से आए गोभी मटर, गोभी मटर जो है कहाँ से आए हैं, ये यूरोप से आए हैं। दोस्तों एक एक लाइन इसका ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेकर के डाउट में हैं, कन्फ्यूज़न में हैं, क्योंकि कुछ जगहों पे गलत चीज़ें दी हैं, तो हमें उन चीज़ों को छोड़ करके हमें एनसीईआरटी देखनी है, एनसीईआरटी के पेज में क्या दिया है। दोस्तों आप एनसीईआरटी का पेज पूरी तरह से देख पा रहे होंगे, चाय असम की बाई जी आलू मिर्ची चाय जी, चाय कहाँ से आई, ये असम से आलू मिर्ची चाय जी, चली चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती बीन, घूम घाम लौटी अपने देश, उसमें है गुड़ कई विशेष, चली चीन से सोयाबीन, सोयाबीन कहाँ से चली, ये चीन से चली है, उसके बाद अमेरिका गई है, अमेरिका के बाद से ये हमारे देश लौटी है। अब यहाँ पे आप इस लाइन को देखेंगे, रोप जमाकर आई जी आलू मिर्ची चाय जी, बैगन मूली सेम करेला। दोस्तों यहाँ पे इसको भी लेके स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूज़न में है, सेम को लेकर के, बैगन मूली को लेकर के, तो इस पे ध्यान दीजिएगा, बैगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला, पालक परवल टिंडा मेथी, है भाई बहनी ये सब देशी, यानी बैगन मूली सेम करेला आम संतरा बेर और केला पालक परवल टिंडा मेथी ये सब हमारे देश के हैं, यानी देशी हैं, भारत के हैं, भारत की पैदाइश जी कौन कहाँ से आए जी आलू मिर्ची चाय जी। तो दोस्तों आपके मन में अब जो भी डाउट रहा होगा वो भी क्लियर हो गया होगा, ये सारी चीज़ें देशी यानी बैगन मूली सेम करेला आम संतरा बेर और केला पालक परवल टिंडा मेथी ये सब सारे जो हैं हमारे देश यानी भारत के हैं। बाकी मैंने यहाँ पे बताया भिंडी और कॉफ़ी ये आपके अमेरिका के हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मिर्ची मूँगफली आलू अमरूद टमाटर ये सारे कहाँ के हैं, दक्षिण अमेरिका के हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गोभी और मटर जो है यूरोप के हैं, सोयाबीन जो है चीन से आई है। तो दोस्तों आपके मन में अब इन सारे चीज़ों को लेकर के जो भी डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। आप अदर चीज़ों को लेकर मत चलिए कि कौन से टीचर क्या बता रहे हैं, कौन सा चैनल क्या बता रहा है, या कौन सी बुक क्या बता रही है। दोस्तों आपको एनसीईआरटी की बुक लेकर चलना है, एनसीईआरटी का पेज, ये पोएम जो है ये एनसीईआरटी की साफ साफ आपको बता रही है। अब इससे ज़्यादा क्या आपको देखना है, आप यहाँ पर पढ़ के खुद समझ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि अब आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न रहा होगा, जो भी डाउट रहा होगा, वो क्लियर हो गया होगा। दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हर स्टूडेंट के मन में जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। तो दोस्तों आपका लव, आपका सपोर्ट इसी तरह मिलता रहे, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न हो एनसीईआरटी या फिर ईवीएस के किसी भी टॉपिक में, या अदर सीडीपी है, हिंदी है, किसी भी टॉपिक में मैं सीरीज़ तो दे रही हूँ आप सभी को,
अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप बता सकते हैं, मैं उसके लिए 2 से 3 मिनट का वीडियो बना दूंगी, आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न रहेगा वो दूर हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर स्टूडेंट तक ये सही नॉलेज जो है वो पहुँच सके। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।